एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड टू। आज के सेशंस में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 अक्की दुक्की। लास्ट हमने सेशंस में ये देखा था कि उसकी मदर है वो सोचती थी कि सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। अरे बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती थी, यानी कि ये दुक्की के दो बाल थे इसलिए अपनी बहन पर ऐसे रोब जमा करती थी, ऑर्डर दिया करती थी काम करने के लिए। एक दिन अक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची, यानी कि एक बार अक्की है वो एक बार घने जंगल में देखो जा पहुंचती है। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। यानी कि जब ये अक्की जंगल में जा रही थी तो उसने कोई एक आवाज़ सुनी ऐसी, और आवाज़ क्या थी कि मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो, ऐसी कोई आवाज़ थी। अक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। तो ये अक्की ऐसे चारों तरफ देखती है कि कौन है जंगल में, तो वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सर सहरा रहे थे। तो अक्की ने देखा कि जंगल में जो मेहंदी की जो झाड़ियाँ थी उसके पत्ते हिल रहे थे, ऐसे सर सहरा रहे थे। फिर वो आगे कहती है, पास में ही पानी की धारा बह रही थी। अक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। तो अक्की ने पानी डाला उस मेहंदी की झाड़िया पर। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद अक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। तो देखो, जो मेहंदी की झाड़िया थी वो झाड़िया बोली, यानी कि उस झाड़ियों को पानी पिला रही थी, और झाड़िया फिर इस अक्की का शुक्रिया करती है कि हाँ, मैं तुम्हारी ये हेल्प कभी नहीं भूलूंगी। अक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना दिला दो, खाना खिला दो। अक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। तो फिर क्या होता है कि मेहंदी की जो झाड़ियाँ थी उसमें से फिर से आवाज़ आई, और आवाज़ ये थी कि कोई मुझे खाना खिला दो। अक्की ने देखा कि एक मरियल गाय थी। अक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। देखो, अक्की है वो घास फूस इकट्ठा करती है और ये देखो गाय को खिला देती है। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। फिर ये देखो गाय के गले में जो रस्सी बंधी थी उसको भी खोल दिया। अब देखो आगे, धन्यवाद अक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। तो गाय भी फिर उसका शुक्रिया अदा करती है। अक्की अब चलते चलते थक गई, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तो ये अक्की थक गई जंगल में, गर्मी थी, कहाँ जाए, वो कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। अक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? तो फिर वो एक झोपड़ी में जाती है, देखो यहाँ, और वहाँ कहती है कि क्या कोई है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। तो वहाँ कोई बूढ़ी अम्मा होती है तो कहती है कि आ गई मेरी बेटी, मैं तुम्हारे यहाँ ही वेट कर रही थी। अक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। तो यह सारी आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गई कि आखिर है कौन। फिर वो झोपड़ी के ऐसे अंदर चली जाती है। अब देखो आगे, बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। तो झोपड़ी के अंदर जो बूढ़ी अम्मा थी वो कहती थी कि पहले तुम नहा लो, तेल लगा लो, फिर हम बाद में साथ खाना खाएंगे। अक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पूछकर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। तो कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, खाना तो तुझे खाना पड़ेगा। अक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, अक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे।
देखो इस अक्की के सर पर एक बाल था, लेकिन जैसे ही उस बूढ़ी अम्मा की बात मानी तो उसके सर पर कितने सारे बाल आ गए। अक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना ही नहीं खा सकी, खुशी के मारे पागल हो गई और खाना तो साइड में छूट गया। फिर देखो अक्की बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। फिर वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि अब तू अपने घर जा सकती है और खुश रह। अक्की के तो जैसे ही पंख ही निकल आए वो सरपट घर की तरफ दौड़ी चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। देखो अक्की ने हेल्प की थी ना गाय की, तो उसने मीठा दूध दिया, झाड़िया की हेल्प की थी पानी पिलाया था तो हाथ पर लगाने के लिए मेहंदी दी। देखो घर पहुंचकर अक्की ने सारी कहानी सुनाई। दो की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। देखो अक्की है वो घर जाकर सारी कहानी सुनाती है कि मेरे सर पर इतने सारे बाल कैसे हैं। तो दो की भी उछल पड़ी और जंगल निकल पड़ी। दो की इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न इस भूखी गाय की पुकार सुनी। देखो जब ये जंगल जा रही थी तो अक्की ने पता है ना हेल्प की थी इस झाड़िया की और एक गाय की, लेकिन इस डोकी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। देखो वो तो ऐसे हुक्म ये डोकी है वो डायरेक्ट झोपड़ी में चली गई और इस बूढ़ी अम्मा को झोपड़ी में जाकर हुक्म देने लगी। लेकिन वहाँ हमें पता है कि जो अक्की थी वो कितनी हम्बल थी, पोलाइट थी। हाँ आओ मैं तुम्हारी राह देख रही थी, पानी तैयार है नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने डोकी से कहा। तो बूढ़ी अम्मा भी कहती है कि हाँ नहा ले, पानी है वो तैयार है। झटपट नहाने के बाद जैसे ही डोकी ने तौलिया सिर से हटाया उसकी तो चीख निकल गई। देखो फिर बूढ़ी अम्मा ने इस डोकी को भी तेल लगाने के लिए कहा, नहाने के लिए कहा, लेकिन डोकी की तो देखो ये चीख निकल गई। क्यों चीख निकल गई वो अब पता चलेगा। डोकी के दो ही तो बाल थे और वे भी जड़ गए। देखो यानी कि इस डोकी के सर में जो दो बाल थे ना वो भी चले गए, दो बाल थे ना वो भी चले गए। रोते रोते डोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़े ने कांटे चुभो लिए। देखो तो रास्ते में क्या हुआ, जो गाय थी ना उस अक्की को तो मीठा मीठा दूध पिलाया, क्यों, क्योंकि उसने हेल्प की थी, लेकिन इस डोकी का बिहेव देखकर गाय ने तो सींग मारा और जो झाड़िया थी उसने भी अपने कांटे चुभो लिए। मगर अब डोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद अक्की डोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब देखो ये डोकी को पूरी अच्छी तरह से सबक मिल गया। कौन सा सबक मिल गया कि हमने कहानी में देखा कि ये हर बार अपनी बहन पर अक्की पर ऐसे रौब जमाती थी, ऑर्डर देती थी, किसी की हेल्प नहीं करती थी, तो ये उसको पूरा सबक मिल गया। इस सबक को मिलने के बाद वो अपने दोनों बहनें अक्की और डोकी दोनों बहनें अपने माँ और बाबा के साथ खुशी खुशी घर में रहने लगी और डोकी भी डोकी का जो रूड बिहेव था वो भी ठीक हो चुका। इन शॉर्ट हमें ये इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें ऑलवेज किसी की हेल्प करनी चाहिए जो अच्छी है वो, और उसके अलावा हमें किसी के साथ भी रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इस कहानी का एक्सप्लेनेशन होता है ख़त्म। अब देखो यहाँ है वो इस कहानी की एक्सरसाइज है। फर्स्ट है कहानी से, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि अक्की और दुकी उनके घर में आने वाली है, तुम्हें कैसे पता चला। हाँ तो बूढ़ी अम्मा जानती थी क्योंकि उसने गाय और इस झाड़िया की हेल्प की थी। दुकी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया, क्योंकि वो सिर्फ अपने ज़्यादा बाल बनाने के ही चक्कर में थी। अक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की, तो अक्की ने झाड़ियों को पानी पिलाया और गाय के गले में जो रस्सी थी वो खोल दी। अब देखो नेक्स्ट है मेहंदी। देखो क्या है, मेहंदी की झाड़ी ने अक्की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार होती है पता करो और सही क्रम में लिखो। यानी कि यहाँ हमें लिखना है कि जो मेहंदी हम हाथ पर लगाते हैं वो एक्चुअली किस तरह से
प्रिपेयर होती है। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे तब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल।